ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपके घर में लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, पूरा दिन मेडिसिन ही खाते हैं, दवा ही खाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस ये वाला फूल अगर आपको मिल जाता है, छोटा सा उपाय करिएगा, आपके घर की जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारियाँ होंगी ना, बस कुछ ही दिन में आपके घर को छोड़ देंगी। ठीक है, कैसे करना है इस पूरे उपाय को, सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। चलो समझते हैं कि सबसे पहले हमें कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी और इस उपाय को कब करना है। देखो, आपको इस उपाय को करने के लिए दो तिथि निर्धारित है। दो तिथि मतलब, सबसे पहली तिथि तो ये है कि अगर शुक्रवार का दिन पड़ता है तो इस उपाय को आप कर सकते हैं, और दूसरा कोई सी भी अष्टमी तिथि पड़े, अब वो दिन कोई सा भी हो, बस उस दिन अगर अष्टमी है तो भी इस उपाय को कर सकते हैं ना। इस उपाय को करने के लिए हमें इस तरीके से लाल फूल की ज़रूरत होगी। ये वाले लाल फूल आज के टाइम पर हर जगह पर मिल जाते हैं, बहुत ही आसानी से मिलते हैं, तो आप इस तरीके से लाल फूल लेना। ठीक है, मात्र एक लाल फूल। इस एक लाल फूल को लेके कहाँ चले जाओगे, किसी भी माता के मंदिर में, चाहे माता दुर्गा का मंदिर हो, माता काली का मंदिर हो, माँ जगदम्बे का मंदिर हो, किसी भी माता के मंदिर में जाएंगे। ठीक है, कब जाना होगा, शुक्रवार के दिन या फिर अष्टमी तिथि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। ठीक है, पहुंचते ही सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक घी का दिया लंबी बत्ती का, कौन सा, एक घी का दिया लंबी बत्ती का माता के आगे लगाएंगे, और जो एक फूल लाल फूल आप अपने साथ लेके गए हैं उसको माता के चरणों में समर्पित करना होगा। कौन सा नाम लेकर के, माता प्रसूति का नाम लेके, कौन सी माता, माता प्रसूति का नाम लेके माँ जगत जननी जगदम्बा के पैरों में उस लाल फूल को समर्पित करना। ठीक है, समर्पित कर दिया, हाथ जोड़ना, उनसे विनती करना, माता हमारे घर में बीमारी है या फिर मुझे ये बीमारी है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, आप हमारी इस बीमारी को दूर कर दें जिससे हम लोग हमेशा खुश रहें। अपने हिसाब से जैसे प्रार्थना करना हो माता से प्रार्थना करना। उसके बाद माता के ही चौखट पर खड़े होकर के या फिर बैठ करके उस लाल फूल की एक एक पंखुड़ी को निकाल के, एक एक पत्ती को निकाल के चबा चबा करके खा लेंगे माता प्रसूति का नाम लेकर के। जो भी व्यक्ति इस उपाय को शुक्रवार के दिन या फिर अष्टमी तिथि के दिन इस लाल फूल को चबा के माता के, मतलब माता के चरणों में चढ़ा करके और उठा के चबा चबा के खा लेता है, उसकी सारी बीमारियाँ दूर ज़रूर होती हैं। ठीक है, बात आई समझ में। यहीं पे कहोगे भैया हमारे घर में जो व्यक्ति रहता है वो मंदिर नहीं आ सकता तो हम क्या करें, तो अगर वो व्यक्ति मंदिर नहीं आ सकता तो इस उपाय को आप अपने मतलब घर, मतलब करोगे तो मंदिर में ही, उठा के लाल फूल को लेके जाएं, जो बीमार व्यक्ति है उसको एक एक पंखुड़ी खिला दें माता प्रसूति का नाम लेके, जितनी बीमारियाँ होंगी धीरे धीरे करके उसकी ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है, तो बीमारी को ख़त्म करने का इससे आसान उपाय बस एक लाल फूल से ही तो करना है, करिएगा। माता रानी आप सभी को हमेशा निरोगी बनाए रखेंगी और हमेशा खुश रखें। कोशिश की मैंने अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।